वर्ष 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दलों की तरफ से तैयारियां जोरों पर की जा रही हैं, ताकि अपनी पार्टी के उम्मीदवार की जीत को सुनिश्चित किया जा सके। इसी के चलते आज अकाली दल बसपा की ओर से विधानसभा हलका भोहा में रैली का आयोजन किया गया, जिसमें बीएसपी के पंजाब सेक्टरी और अकाली दल के जिला आजरबर ने शिरकत की। बीएसपी का उम्मीदवार राकेश कुमार माजरा हलका भोहा से बसपा उम्मीदवार के तौर पर मैदान में है, जिसकी जीत को सुनिश्चित करने के लिए रैली के रूप में हलका बुहा के उम्मीदवार राकेश माजरा के हक में शक्ति प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर जिला प्रधान शहरी सुरेंद्र सिंह व जिला प्रधान देहाती सुभाष ठाकुर की अध्यक्षता में रैली का आयोजन किया गया। रैली में विशेष तौर पर बसपा के जनरल सेक्रेटरी भगवान सिंह चौहान भी पहुंचे। अज चन्नी साहब ने शासन में मता लिया, चन्नी साहब जो मुख्यमंत्री पंजाब के बने ने, ये आपे तो जाके अमित शाह हुणां नूं गृहमंत्री जिहड़े सेंटर सरकार च उन्होंने कह के आए हैं कि तुसीं ये जिहड़े बार्डर का घेरा वधाओ, क्योंकि इत्थे सिक्योरिटी की लोड़ है पंजाब विच। अज लोकां को सच्चे होने वास्ते यह मता पाया। श्रोमणी अकाली दल ते बहुजन समाज पार्टी ने पहला भी इहदा विरोध किया और अगर सरकार बनते भी इहदा जिहड़ा विरोध करते रहेंगे, क्योंकि जिहड़ी BSF आ इहदा अधिकार खेत्र सिर्फ बार्डर ते रहना चाहिए। यह पंजाब सरकार आप फेल हो चुकी है, इन्हों अपनी फोर्स जी पुलिस आ उत्ते आप ही नहीं तमार रहा, आप ही वो खिलाफ एक कहिंदे ने कि उन्हां को लॉ एंड आर्डर नहीं रखा जा रहा। इस करके इन्होंने आप ही पहला गृहमंत्री जिहड़े अमित शाह हुणी ने BJP के मोदी साहब के नाल ने जिहड़े प्राइम मिनिस्टर के उन्हें आप कह के आए हैं कि यह तुसीं इहदा घेरा वधाओ। पर श्रोमणी अकाली दल ते बहुजन समाज पार्टी पहला भी ये खिलाफ सी, अगे भी खिलाफ रहा। जनाब आम आदमी पार्टी की बठिंडा रूरल तो MLA जोड़े थे वो रूबी होर रुपिंदर रूबी वो कांग्रेस के शामिल हो गए हैं। उन्होंने कहना है कि होर भी कई लोग जोड़े है वो तैयार ने जोड़े केजरीवाल के खिलाफ ने। देखो सवाए श्रोमणी अकाली दल तो बहुजन समाज पार्टी तो जिन्या पार्टियां दूजिया ने, चाहे BJP आ, चाहे कांग्रेस पार्टी आ, चाहे आम आदमी पार्टी आ, उन्होंने लीडर तो उन्होंने वर्कर ये गल समझ चुके ने कि 2022 दी चोणां विच सरकार बहुजन समाज पार्टी ते श्रोमणी अकाली दल की बननी है, मुख्यमंत्री सरदार सुखबीर सिंह जी बादल ने बनना। इस करके दूजिया पार्टियां वाले जिहड़े ने वो वेख के कि ये डुबदी बेड़ी चो छाल मार मार बाहर भज रहे ने। आम आदमी पार्टी विचों MLA जिहड़ी उत्थे रूबी कांग्रेस पार्टी 'च गई आ और कांग्रेस पार्टी का बनाया हाँ SS बोर्ड का चेयरमैन श्री रमन बहल जी कांग्रेस पार्टी छड़ के गुरदासपुर वाले वो आम आदमी पार्टी जा रहे हैं। इस तरह कांग्रेस पार्टी के बंदे छड़ के श्रोमणी अकाली दल जा रहे हैं, BJP के वर्कर ते लीडर पार्टी छड़ के BJP की वो श्रोमणी अकाली दल जा रहे हैं। इतों संकेत मिलता कि 2022 दी चोणां विच बहुजन समाज पार्टी ते श्रोमणी अकाली दल सरकार बननी है, क्योंकि पिछले समय सरदार प्रकाश सिंह जी बादल जो मुख्यमंत्री रहे ने, जो जो पंजाब के मुख्यमंत्री बने ने लोग हित के फैसले होंदे रहे और लोगों के हित दी स्कीमां बनदियां रहियां और कांग्रेस सरकार आने तो बाद साडियां चलदियां स्कीमां जिहड़ियां ने बंद कीतियां और लोग समझते हैं कि बहुजन समाज पार्टी ते अकाली दल की सरकार आए तो स्कीमां जिहड़ियां